नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप यहाँ पर रखा हुआ ये पीसी देख सकते हैं कमाल का। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिविटी पीसी जो कि 1,00,000 रुपए के आसपास रहने वाला है। एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी सेल्स टीम को और अपने लिए कोटेशन को जो है ले सकते हैं। अब ये जो पीसी है दिस इज मोर फोकस्ड उन लोगों के लिए जो कि इस पीसी पर अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, इस टाइप के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो है यूज करने वाले। तो जानेंगे क्या क्या स्पेक्स इसमें हम लोगों ने यूज किए हैं। वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। आज ही बाय करें अपने परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी। विजिट करें www.techdreams.co.in और यहां पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ट मशीन्स में से, या फिर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशंस के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप बाय करना चाहते हैं अपने लिए बहुत ही कमाल की प्राइसिंग पर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 का प्रो रिटेल लाइसेंस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कीज, तो विजिट कीजिए नीचे दी गई वेबसाइट को और वहां से जाकर यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आप अपने लिए इन अट्रैक्टिव डील्स को ग्रैब कर सकते हैं। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर। जब भी हम एक वीडियो एडिटिंग बिल्ड बना रहे हैं गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रोसेसर यूज किया गया है दैट शुड बी गुड इनफ, कि उसका जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो, वो कमाल का हो। सो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया इस बिल्ड में इंटेल कोर i7-12700F प्रोसेसर। आप चाहे तो आप इसकी जगह अगर नए जनरेशन के साथ में जाना चाहते हैं आप यहाँ पर 13600K का भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर इसके हम स्पेक्स की बात करें तो प्रोसेसर आता है दोस्तों 12 कोर और 20 थ्रेड के साथ में। मल्टी कोर परफॉर्मेंस इज अमेजिंग। इंटेल के ऑल्डर लेक हाइब्रिड आर्किटेक्चर पर ये बेस्ड है। आपको परफॉर्मेंस और कोर्स दोनों मिल जाते हैं। एंड आज की डेट में अगर आप एक गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग सिस्टम बना रहे हैं, यहां पर आकर आपको बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब सेकंड चीज, ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ये आता है स्टॉक कूलर के साथ में। बट मैंने आपको एक वीडियो में डेडिकेटेड समझाया भी था क्यों आपको कोर i5 से ऊपर एक स्टॉक कूलर जो साथ में आ रहा है उसका यूज नहीं करना। जो भी 12700F के साथ में आता है, 12700 नॉर्मल के साथ में आता है, उसमें आपको स्टॉक कूलर अवॉइड करना है, खासकर इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। एंड इनफैक्ट अगर आप एक i5 भी यूज कर रहे हैं 12400 या 12400S, तब भी मैं रेकमेंड करता हूं स्ट्रॉन्गली कि आप एटलीस्ट एक एंट्री लेवल आफ्टर मार्केट कूलर जरूर लगाएं। अच्छा, तो यहां पर हम लोगों ने इस बिल्ड में यूज किया डीप कूल की तरफ से आने वाला उनका AG620 आफ्टर मार्केट है कूलर। अब इसको आप एक तरह से ना AK620 का छोटा भाई तो फिर छोटा हो गया, इसको आप AK620 का एक कट डाउन वर्जन कह सकते हैं, थोड़ा सा रॉ वर्जन कह सकते हैं, मतलब अनपॉलिश सा। जो AK620 है वहां पर आपने देखा होगा कि आपको कूलर का जो टॉप है उस पर पूरा कवर्ड मिलता है, प्रॉपर एक ब्लैक कलर का कवर्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो काफी मिनिमलिस्टिक सा लगता है। यहाँ पर सिर्फ उन चीजों को हटाया गया है। परफॉर्मेंस वाइज दिस इज वेरी क्लोज टू AK620। उतने ही आपको यहाँ पर हीट पाइप्स मिल रहे हैं, वही आपको ट्विन जो है टॉवर डिजाइन मिल रहा है, दो फैंस मिल रहे हैं आपको। परफॉर्मेंस टर्म्स में इस प्रोसेसर के साथ आपको हल्की सी भी थर्मल थ्रॉटलिंग की इशू नहीं आने वाली। कीपिंग दिस इन माइंड, दिस इज अ वीडियो एडिटिंग सिस्टम और जब हम इस पर रेंडर्स लगाएंगे हो सकता है रेंडर्स लंबे टाइम तक चले। एंड जब रेंडर्स लंबे टाइम तक चलते हैं आपको पता है कि सीपीयू जो है 100% लोड के ऊपर ऑल द टाइम रन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उस 100% लोड के ऊपर जो थर्मल्स हैं और जो क्लॉक्स हैं वो सस्टेन कर पाए, उसके लिए इस कूलर को लगाना बहुत जरूरी है। वही हमने लगाया है। एंड जो कस्टमर थे उनको हम लोगों ने AK400 पिच किया था, बट क्योंकि AK400 हमारे स्टॉक में नहीं था एंड हम लोग ऑलरेडी ऑर्डर उठा चुके थे, तो हम कस्टमर को सफर कभी नहीं कराते, तो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर को AG620 पर अपग्रेड दे दिया इस पीसी बिल्ड में। नाउ कमिंग टू द मदरबोर्ड जो हम लोगों ने इस बिल्ड में यूज किया है। मदरबोर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया MSI की तरफ से आने वाला उनका प्रो सीरीज B660MA वाईफाई मदरबोर्ड, DDR4 बेस्ड B660 चिपसेट। एक एंट्री लेवल से स्लाइटली ऊपर आप कह सकते हैं मदरबोर्ड है, बिल्कुल भी एंट्री लेवल नहीं है, एंट्री लेवल से स्लाइटली ऊपर है। एंड इस बिल्ड का जो पर्पस है उसके लिए मच मोर देन इनफ है एज कम्पेयर टू अदर मदरबोर्ड्स जो कि अवेलेबल रहते हैं इस रेंज में, उनमें से काफी सुपीरियर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इसका जो VRM है वो रहता है, तो ये इजिली इस प्रोसेसर को हैंडल कर लेगा। सारी बेसिक फंक्शनैलिटीज आपको इसमें मिल जाते हैं, इनफ USB पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो इसी मदरबोर्ड का हम लोग इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट द सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम, तो रैम का भी एक वीडियो एडिटिंग बिल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, पर्पस है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 16GB रैम यूज करके अपने बिल्ड में अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं, खासकर 4K फुटेज के साथ में आप वर्क थ्रू कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, थोड़ा सा चॉपी रहेगा आपका जो प्लेबैक होगा, मतलब काफी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस वजह से एक वीडियो एडिटिंग बिल्ड में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप 32GB रैम जरूर लगाएं। वही हमने यहां पर किया है, दो मॉड्यूल्स लगाए हैं जिसकल रिपजॉस मेमोरी के 16GB के दो मॉड्यूल्स हैं एंड 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक्ड आते हैं। DDR4 मॉड्यूल्स है दोनों,
32GB RAM अभी के लिए हमने सिस्टम में रखी है, फ्यूचर में अगर क्लाइंट अपग्रेड करना चाहे 32GB RAM और ऐड कर लेंगे 64 हो जाएगा, और उनके लिए बहुत लंबे टाइम तक जो उनका काम होगा अगर वो आफ्टर इफेक्ट्स में भी जाते हैं, थोड़ा डीप भी जाते हैं अपने वर्क में, वो भी इस पर इजीली कर पाएंगे। कमिंग टू द स्टोरेज एस्पेक्ट, स्टोरेज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्रूशियल की तरफ से आने वाली उनकी P2 NVMe SSD 500GB की Gen 3 NVMe SSD है, जिस पर इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो फुटेज जिस पर वर्क करना है वो रहेगा। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप अगर कोई इस तरह का बिल बनाए स्लाइटली और इन्वेस्ट करके एक Gen 4 NVMe SSD में जरूर इन्वेस्ट करें, खासकर अगर आपको 4K फुटेज के साथ में वर्क करना है, तो फिलहाल के लिए इस बिल्ड में हम यही ऑफर करने वाले हैं। एंड सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, बैकअप स्टोरेज के लिए, जिसको उतना क्विक एक्सेस नहीं चाहिए, हम वहां पर अपना काम हो जाने के बाद, लेट सपोज कि हमने वीडियो को रेंडर कर लिया, आप उसको स्टोर कहां पर करें, तो उसको हार्ड ड्राइव पर स्टोर कर सकते हैं। तो हार्ड ड्राइव भी यहां पर 1TB की WD-KVR ब्लू हम लोगों ने एज अ बैकअप स्टोरेज लगा रखी है। नाउ कमिंग टू द ग्राफिक्स कार्ड, जो कि थोड़ा सा हटके है इस बिल्ड में, हम लोगों ने यहां पर जो है NVIDIA या AMD की तरफ से ऑफरिंग को यूज नहीं किया, हम लोगों ने यूज किया इंटेल की तरफ से आने वाला उनका आर्क A380 ग्राफिक्स कार्ड। अब ये जो कार्ड है इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर हम इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करेंगे। ऑल्दो गेमिंग के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट चॉइस, स्ट्रिक्ट नो, इसको आप जो है 1080p गेमिंग किंग बिल्कुल नहीं कह सकते इस बजट पर, इसके जो इससे कम प्राइस पर आने वाले कार्ड्स हैं वो भी इसको बीट कर जाते हैं, गेमिंग के लिए अब इग्नोर इस कार्ड के लिए। बट वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है, वहां पर इसके जो न्यू वाले इनबिल्ट एनकोडर्स हैं जो इंटेल ऑफर कर रहा है, जैसे कि AV1 हो गया और भी काफी सारी चीजें, उनकी वजह से आपको ये वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, और हार्डवेयर एक्सेलरेशन इस कार्ड से अच्छी खासी मिलने वाली है। 6GB GDDR6 VRAM के साथ में आता है, इसी कार्ड का हम लोग यूज करेंगे, इसको किसी भी तरह की एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है। जो पर्टिकुलर मॉडल हम यूज कर रहे हैं ये एसर की तरफ से आता है, उनका प्रीडेटर सीरीज का आर्क A380। ओके, सो नाउ कमिंग टू द PSU, तो PSU आप इस बिल्ड में, आपको सच्ची बताऊं तो अगर आप एक 450 वॉट का डिसेंट पावर सप्लाई भी यूज करेंगे आपका काम हो जाएगा, यू आर गुड टू गो। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक प्रोसेसर है जिसको मेजर ऑफ द पावर जो है वो ड्रॉ चाहिए होगा, जो आपका कार्ड है वो तो आपके PCI स्लॉट से ही पावर ले रहा है, उसको कनेक्टर की भी जरूरत नहीं है, तो काफी लो ऑन पावर कंजप्शन बिल्ड है ये। बट क्योंकि जो हमारे कस्टमर है वो चाहते थे कि फ्यूचर में मैं अपग्रेड करना चाहूं, तो मुझे एक ही बार ऐसी सप्लाई चाहिए कि मैं थोड़े हाई कार्ड के साथ, जैसे मैं 3070 लगाना चाहूं तो वो भी चल जाए, तो हम लोगों ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनको यहां पर सिल्वरस्टोन की वाइवा 750 गोल्ड पावर सप्लाई दी है। 750 वॉट की 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में आने वाला PSU है, एंड इस बिल्ड के लिए तो मच मोर देन इनफ एम्पल रूम इसमें है, बट फ्यूचर में अपग्रेड करेंगी तो वो भी चल जाएगा, दोबारा से इनको एटलीस्ट पावर सप्लाई नहीं लेनी पड़ेगी। अगेन नाउ कमिंग टू द केस, तो मोस्ट ऑफ द ऐसे वर्क स्टेशन जो बनाते हैं वो सिंपल सोवर से केस प्रेफर करते हैं कि जिसमें लाइट ना हो या थोड़ा प्रीमियम केस दिखे, यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, ये एंटी स्पोर्ट्स का 510 एयर केस है। वैसे तो ये मेरे 5000 रुपीस के बेस्ट कैबिनेट्स में से नंबर वन स्पॉट पर आता है, अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दी ऊपर आई कार्ड में लिंक मिलेगा वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। उसे मैंने टॉप 5 चॉइसेस की बात करी है जो कि 5000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आते हैं केसेस की। सो इस बिल्ड में भी हम लोगों ने बजट रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए, हर एक चीज को देखते हुए इसी केस का यूज किया है। 4 आपको यहां पर ARGB फैंस मिल रहे हैं, इनको ऑफ भी कर सकते हैं, कई लोगों का क्वेश्चन होता है यार कि मेरे को लाइट ऑफ करनी है, कर सकते हैं? जी हां कर सकते हैं, बट तब अगर आप इसको अपने मदरबोर्ड के ARGB हेडर में प्लग इन कर रहे हैं तो वही यहां पर होने वाला है। 4 फैंस मिल जाते हैं, फ्रंट मेश है, एयर फ्लो डिसेंट है, एंड प्राइस के हिसाब से इसमें जब बिल्ड बनाते हैं अच्छा खासा डिसेंट बिल्ड जो है वो लगता है अपना। अच्छा, सो ये जो बिल्ड का प्रोसेस था, इसका बिल्डिंग प्रोसेस मैं आज के वीडियो में नहीं डाल रहा, क्यों? क्योंकि ये बिल्ड जो था कस्टमर की आईज के आगे लाइव बिल्ड हुआ था, मतलब उन्होंने अपने घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको लाइव बनते हुए देखा था। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा ये एक्सपीरियंस किस तरह का होता है या क्या होता है, आपको ऊपर आई कार्ड में एक और वीडियो का लिंक मिलेगा जो कि हमारे स्टोर चैनल की है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं जहां पर कस्टमर ने इसको अपनी आंखों के सामने घर बैठे बनते हुए देखा लाइव, एंड प्रोसेस आप वहां देख सकते हैं। और टेक ग्रीन स्टोर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना देखने जाओगे तो। प्लस अब जल्दी से जरा इसके कुछ शॉट्स देख लेते हैं, थोड़ा आपको क्लोज लुक इस पर दिखाता हूं दिखता कैसे, एक क्विक से मोंटाज के बाद में आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। दोस्तों 1,00,000 की प्राइसिंग के अराउंड एक वीडियो एडिटर या एक कंटेंट प्रोफेशनल को हम लोग क्या बिल्ड वर्क स्टेशन ऑफर कर सकते हैं, ये उसके लिए था। और अगर आपको पसंद आया हो ये बिल्ड या आपके इसके रिगार्डिंग कुछ सजेशंस हो, डोंट फॉरगेट टू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कीजिए लाइक, साथ ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।